यूक्रेन अब सिर्फ अपना डिफेंस नहीं कर रहा बल्कि रह कर रूस पर बड़े हमले की कोशिश कर रहा है। ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइल से घातक हमले के बाद यूक्रेन ने रूस को एक और बड़ा शॉक दिया है। एक ही दिन में रूस के 2 फाइटर जेट क्रैश हो गए। इसके बाद 2 हेलीकॉप्टर भी हवा में आग का गोला बन गए। रूस को शक है कि ये सब यूक्रेन के हमले की वजह से हुआ है। इस खबर को लेकर अलग अलग दावे हैं, कुछ वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, लेकिन अहम यह है कि पुतिन अब करेंगे क्या। पुतिन यूक्रेन को इस जरूरत की कितनी बड़ी सजा देंगे। एक्शन शुरू हो चुका है लेकिन डर किसी घातक हथियार के इस्तेमाल का। पहले फाइटर जेट, फिर हेलीकॉप्टर। रूस की सीमा में हवा से आग के गोलों की बरसात होती रही। कभी फाइटर जेट जमीन पर गिरे तो कभी हेलीकॉप्टर। ऐसा हड़कंप मचा कि रूस ने अपने तमाम फाइटर जेट्स को वापस बुला लिया। तमाम एयरबेस पर टेक ऑफ को रोक दिया गया। सभी एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर ग्राउंड पर ही रहे। पुतिन के लिए यह सरप्राइज भी है और शॉकिंग भी। युद्ध की शुरुआत के बाद से शायद ही ऐसा कोई दिन आया हो जब रूस को इतना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। Su-34 सुपरसोनिक फाइटर बॉम्बर और एक Su-35 सिंगल सीटर फाइटर जैसे ताकतवर लड़ाकू विमानों को यूक्रेन ने जमीन पर गिरा दिया। रूस की वायुसेना के दोनों योद्धा हवा में ही शूट कर दिए गए। रूस के विमान के गिरने का वीडियो भी वायरल हो रहा है। इतना ही नहीं, रूस के 2 Mi-8 हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो गए। रूस क्रैश की बात तो मान रहा है लेकिन यूक्रेन के हमले की नहीं। 2 फाइटर जेट यूक्रेन के बॉर्डर के पास क्रैश हुए। 2 लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स में भी हवा में आग लग गई। रूस को एयरक्राफ्ट पर यूक्रेन के मिसाइल अटैक का शक है। अटैक की वजह से रूस के 4 पायलट्स की मौत हुई है। रूस के दोनों फाइटर जेट यूक्रेन पर हमला करके लौट रहे थे जबकि 2 हेलीकॉप्टर भी यूक्रेन के अलग अलग इलाकों पर अटैक के लिए भेजे गए थे। वायरल हो रही तस्वीरों में दिख रहा है कि Mi-8 हेलीकॉप्टर से एक मिसाइल टकराई और उसके बाद विस्फोट के साथ हेलीकॉप्टर में आग लग गई। हालांकि रूस की मीडिया मिसाइल अटैक से इनकार कर रही है। रूसी मीडिया का दावा है कि हेलीकॉप्टर में किसी तकनीकी खराबी की वजह से आग लगी। यूक्रेन के अधिकारियों ने दावा किया कि रूस के एयर डिफेंस ने ही खुद अपने विमान और हेलीकॉप्टर को गिरा दिया है। यूक्रेन ने रूस को एक बड़ा झटका बाखमुत के पास दिया है। यहां यूक्रेन ने रूस के एक एयर डिफेंस को उड़ा दिया। बाखमुत के पास यूक्रेन ने रूस के पेंसर S-1 एयर डिफेंस को नष्ट कर दिया। अब तक युद्ध में रूस 13 पेंसर S-1 एयर डिफेंस सिस्टम गवा चुका है। रूस की एक पेंसर S-1 एयर डिफेंस की कीमत 146 करोड़ रुपए है। कुछ दिन पहले भी यूक्रेन ने रूस की किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल को मार गिराने का दावा किया था। यूक्रेनी एयरफोर्स के मुताबिक रूस की सबसे एडवांस हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल को अमेरिका के पैट्रियट डिफेंस सिस्टम से तबाह कर दिया गया था। यूक्रेन की सेना के मुताबिक 24 घंटे में रूस के 14 ड्रोन्स को मार गिराया गया। 14 मई तक ड्रोन गिराने का आंकड़ा 25 के पार चला गया। इस दौरान यूक्रेन ने 3 क्रूज मिसाइलों को भी गिरा दिया। यूक्रेन की वायुसेना के मुताबिक 14 मई को सुबह 7 बजे यूक्रेन के एयर डिफेंस से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। यूक्रेन के एयर स्पेस में मौजूद रूस के कई ड्रोन को एयर डिफेंस ने गिरा दिया। इस दौरान रूस की तरफ से मिसाइलें भी दागी गई लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम ने 3 मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। यूक्रेन के आर्मी के मुताबिक 14 मई को सुबह रूस ने ब्लैक सी से यूक्रेन पर हमला किया। ईरान के आत्मघाती ड्रोन भी यूक्रेन को दहलाने के लिए भेजे गए।
रशियन TU-95 विमानों ने भी अजोव सागर के ऊपर उड़ान भरी और यूक्रेन की तरफ मिसाइलें दागी। रूस के बदले का एक्शन शुरू हो गया है, लेकिन सवाल है कि पुतिन किस हद तक जाएंगे? क्या लॉन्ग रेंज वेपन वाली रूस की धमकी सच होगी? क्या स्टॉर्म शैडो का बदला न्यूक्लियर हथियारों से लिया जाएगा? क्या पुतिन ब्रिटेन से बदले का ऑपरेशन अब शुरू कर देंगे? क्या स्टॉर्म शैडो मिसाइल नाटो बनाम रूस की लड़ाई की वजह बनेगी? नाटो भी एक तरह से पुतिन के सब्र का इम्तिहान ले रहा है। रूस ने पहले टेपलेटेड यूरेनियम वाले शेल के इस्तेमाल पर नाटो को चेतावनी दी थी, लेकिन यूक्रेन में लेपर्ड और चैलेंजर के साथ ही टेपलेटेड यूरेनियम वाले शेल पहुंचा दिए गए। रूस ने यूक्रेन को एयरक्राफ्ट देने पर भी चेतावनी दी थी, लेकिन यूक्रेन को MiG-29 दिए जा रहे हैं। रूस की तरफ से साफ कहा गया था कि अगर लॉन्ग रेंज वेपन से रूस की जमीन पर हमला हुआ तो बदला न्यूक्लियर विध्वंस से लिया जाएगा। ब्रिटेन ने स्टॉर्म शैडो देकर पुतिन को डायरेक्ट चैलेंज कर दिया है। स्टॉर्म शैडो की ताकत का असर भी दिखने लगा है और रूस को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। सवाल है कि क्या अब वो महाविध्वंस का समय करीब आ गया है जिसकी आशंका यूक्रेन रूस युद्ध की शुरुआत से ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।